फ्रंट एलिवेशन की जो डोर और विंडो रहती है मेन एंट्री की होम की, जो देखने को मिलेंगे आपको इसमें, और पीछे इसमें सागवान की चौखट है टोटल कंप्लीट। और ग्रिल का भी एक आइडिया ले सकते हैं, इसके अंदर जो 32x32 का टाइल्स आता है उसी का इसके अंदर फिटिंग किया हुआ है, बीच में 2 इंच 2.5 इंच की पट्टी, और आजू बाजू से इसको पूरा सिंगल मोल्डिंग लिया हुआ है, ब्लैक पर्ल जो ग्रेनाइट आता है उसी का है पूरा कंप्लीट। ये भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है लुक इसका काफ़ी, और दोनों भी साइड से इसको यहाँ पे देख सकते हैं और उधर की साइड देख सकते हैं, दोनों साइड इसमें ब्लैक पर्ल का जो ग्रेनाइट आता है उसी का पट्टी लगा के पूरा फिटिंग किया हुआ है फुल राउंड मोल्डिंग के अंदर। इसको डार्क पॉलिश में भी लगा सकते हैं, और इसके अंदर बीच में एक रेड कलर का टुकड़ा डाले हुआ है 1 इंच का विंडो के अंदर, पहले इसका डोर का देख सकते हैं, और आजू बाजू से इसको एलिवेशन टाइल्स आ जाएंगी कंप्लीट वाइट के साथ में, ब्लैक का काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है। इसका अगर फिटिंग का बात करेंगे तो फिटिंग आपको 4500 रुपये रनिंग फुट लग जाएगा, मोल्डिंग और फिटिंग टोटल कम्प्लीट। इससे ग्रेनाइट की जो सागवान की जो चौखट रहती है उसी की भी सेफ्टी हो जाती है, पानी लगने का चांस कम रहता है उसमें। और अंदर भी इसमें फोटो फ्रेम ही टोटल कंप्लीट डोर बनाए हुए हैं। उसके बाद में सबसे पहले देख सकते हैं इसका डोर, यही देख सकते हैं पहले, इसके अंदर दूसरा कलर का भी कॉम्बिनेशन लेके फिटिंग कर सकते हैं जो ग्रेनाइट लगाया हुआ है इसमें। और अभी विंडो बता देता हूँ मैं आपको, ये बाजू से विंडो है, विंडो में भी सेम ऐसा ही लुक लिया हुआ है, इसमें कॉर्नर में दूसरे कलर की टिकली भी डाल सकते हैं, बीच में भी डाल सकते हैं, ऐसा वीडियो पहले भी आया हुआ है एक, वो भी चेक कर सकते हैं और देख के आइडिया ले सकते हैं। ये देख सकते हैं पूरा विंडो फोटो फ्रेम में, और भी प्लेन व्हाइट टाइल आती है 2x4 की, वो भी फिटिंग कर सकते हैं इसके अंदर, अगर काफ़ी ज़्यादा और ही ज़्यादा व्हाइट अपने को बताना है तो वो भी लगा सकते हैं। बीच में 1-1 इंच का टुकड़ा डाल दिया इसमें सिंपल, सादा सिंपल, इसका भी काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। फ्लोरिंग में जो 32x32 लगाते हैं वो टाइल का ही पट्टी डाला हुआ है इसके अंदर, रेडीमेड डिजाइन की पट्टी भी आती है वो भी लगा सकते हैं इसके अंदर, इसका भी काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है इसमें। अभी एक फोटो फ्रेम का और बता देता हूँ आपको अंदर का, ये फ्लोरिंग के अंदर 3230 का लगाया है टाइल्स कंप्लीट, और ये एक विंडो देख सकते हैं इसी में सेम वैसा ही फोटो फ्रेम दिया हुआ है। सबसे पहले ये डोर बता देता हूँ आपको, एल टाइप का, इसको फुल राउंड मोल्डिंग करके पट्टी लगाया हुआ है ये, और बाजू से इसको और एक 3 इंच की पट्टी लगा रखा है प्लेन जो प्लास्टर के फेस से लगा रखा है इसको। ये दरवाज़ा लग जाएगा यहाँ पे, जो अंदर की साइड खुल जाएगा ये दरवाज़ा कंप्लीट। इसकी अगर कम कॉस्ट करना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, अभी ये जो पट्टी देख रहे हैं ये इसी को फुल राउंड मोल्डिंग किया हुआ, बाकी ये धार पॉलिश नहीं किया हुआ है जिसकी वजह से इसका कॉस्ट कम हो जाता है। उधर की साइड से इसको पूरा फुल राउंड मोल्डिंग किया हुआ है जिससे इसका जो धार पॉलिश का पैसे बचते हैं, और उसके बाद में इसको कर भी सकते हैं अगर कॉस्ट ज़्यादा है करना है अपने को दरवाजे की। इसमें अगर डिजाइन डालना है तो डिजाइन भी डाल सकते हैं, साइड से जो 3 इंच की पट्टी डाली है इसी में डिजाइन भी डाल सकते हैं, या फिर उसको 2 सूट बाहर निकाल के चैम्पर मार के फिटिंग कर सकते हैं। और भी ऐसे डोर की विंडो की डिजाइन की वीडियो बहुत हैं जो देख सकते हैं, राम कॉन्ट्रैक्टिंग यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं या फिर फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। अंदर भी सेम ऐसे ही बना रखे हैं, 3-4 जो डोर हैं वो कम्प्लीट ऐसे ही फिटिंग किए हैं, ब्लैक पल जो ग्रेनाइट आती है उसी का फिटिंग किया हुआ कम्प्लीट है। इसको एल टाइप में ही लगा रखा है, ये पट्टी जो देख रहे हैं एल टाइप में लगा रखा है, एक साइड इसमें दीवार आ गया उसकी वजह से ये साइड से पट्टी लगा नहीं पाए, एल टाइप में लिया हुआ है कम्प्लीट ये पट्टी। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।